हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेता आज की चैनल लाइफ स्टाइल। आज मैं इस वीडियो में तीन तरह की पेस्ट्री बनाकर दिखाऊंगी। बेकरी जैसी पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स और ट्रिक बताए हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तीन तरीके का ग्लेज भी मैंने इस वीडियो में तैयार करके दिखाया है, तो चलिए बनाते हैं पेस्ट्री। ब्लैक करंट ग्लेज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक करंट क्रश का यूज किया है। 3/4 कप मैंने यहाँ पे ग्लेज लिया है और मैं यहाँ पे ब्लैक करंट अरोमा डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने अरोमा इसमें डाला है। 3 टेबल स्पून मैं यहाँ न्यूट्रल ग्लेज डाल रही हूँ। ब्लैक करंट क्रश के साथ साथ मैंने अरोमा डाला, जिससे फ्लेवर और कलर दोनों इसमें आ जाएगा और न्यूट्रल जेल के कारण इसमें शाइन बहुत ही अच्छी आएगी, तो हमारा फ्लेवर्ड ब्लैक करंट ग्लेज तैयार हो जाएगा। और अच्छा कलर लाने के लिए आप कुछ बूंदे कलर की भी डाल सकते हैं। इसे मिक्सी के जार में डालकर 1 स्पीड पे ही हमें खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। इसी तरीके से 2-3 बार चला देना है। यहाँ पर मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दिया है और इसमें मैं कलर का यूज़ कर रही हूँ ताकि डार्क रेड कलर आए स्ट्रॉबेरी की तरह। मैं यहाँ वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी मैं न्यूट्रल जेल डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। स्ट्रॉबेरी ग्लेज बनकर तैयार है। अब मैं इसमें मैंगो ग्लेज बनाने वाली हूँ। 3/4 कप मैंने यहाँ पे मैंगो क्रश ले लिया है, जिसमें मैं 3 टेबल स्पून न्यूट्रल ग्लेज डाल रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे मैंगो अरोमा का यूज कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें मैंगो अरोमा डाल रही हूँ और मैंगो का परफेक्ट कलर आए इसलिए मैं इसमें येलो वाटर कलर डाल रही हूँ। आप चाहें तो जेल कलर भी डाल सकते हैं। और इसे भी मिक्सी के जार में 1 स्पीड पे थोड़ा थोड़ा करके चला लेंगे। तीनों ग्लेज बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। तीनों ग्लेज से अब मैं आपको पेस्ट्री बनाकर दिखाऊंगी, तो इसके लिए मैंने स्पंज तैयार कर लिया है। पेस्ट्री पे गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट कर लिया है, वाइट चॉकलेट और डार्क कंपाउंड चॉकलेट। मैंने एक ट्रे में पार्चमेंट पेपर डाल दिया है और छोटा छोटा इस तरीके से मैंने डार्क कंपाउंड का डॉट डाला है और उसे इस तरीके से उंगली से फैला दिया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और वाइट चॉकलेट का भी इसी तरीके से मैं बना लूंगी। मैं यहाँ सबसे पहले ब्लैक करंट पेस्ट्री बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने केक बेस को 3 लेयर में काट लिया था और इस पर क्रीम डालने के बाद मैंने ब्लैक करंट क्रश डाला। उसके ऊपर मैंने 2रा लेयर रख दिया और फिर से मैंने इस पर क्रीम डालने के बाद ब्लैक करंट क्रश डाल दिया। मैं इसे सोक करने के लिए आज मैं फ्रूट कॉकटेल का जो सिरप होता है उसे यूज कर रही हूँ। ब्लैक करंट पेस्ट्री का तीनों लेयर मैंने रख दिया है और इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ से क्रीम से ढक दिया है। इसे सेट होने के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। अब मैं स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री के लिए यहाँ पे स्पंज रख रही हूँ। इस पर भी मैंने फ्रूट कॉकटेल में जो सिरप रहता है उसे मैं डाल रही हूँ। क्रीम डालने के बाद मैंने इस पर स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दिया है और इस पर भी इसी तरीके से 2रा लेयर रखने के बाद मैं इसे भी तैयार कर लूँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री के लिए भी तैयार है, इसे भी मैं फ्रिज में रख दूंगी। अब मैं मैंगो पेस्ट्री के लिए इसे कट कर रही हूँ।
उसी तरीके से मैं इसे भी तैयार करूंगी। क्रीम डालने के बाद मैंगो क्रश डालूंगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर डालूंगी। दोस्तों, अगर आप होम बेकर हैं और हर चीज़ के लिए आप ग्लेज नहीं खरीद सकते, फ्लेवर्ड ग्लेज, तो आप इस तरीके से अपना घर में ही ग्लेज बनाकर और आप कस्टमर को दे सकते हैं। तीनों फ्लेवर्ड ग्लेज को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है और पेस्ट्री पे डालने के लिए मैंने पेस्ट्री को फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, काफ़ी बेकरी वाले इसी तरीके से ग्लेज बनाकर और यूज़ करते हैं, तो क्यों ना हम होम बेकर भी इस तरीके से ग्लेज को बनाकर और अपने कस्टमर को दें। अगर आप होम बेकर हैं तो आपके पास ग्लेज और क्रश तो होगा ही, तो आप उन दोनों को मिक्स करके इस तरीके से फ्लेवर्ड ग्लेज तैयार कर सकते हैं। फ्लेवर्ड ग्लेज मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती है। अगर आपके पास क्रश और ग्लेज है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंगो ग्लेज के बाद मैं स्ट्रॉबेरी ग्लेज को पेस्ट्री के ऊपर डाल रही हूँ और इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। पेस्ट्री या केक काटने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब हम पेस्ट्री या केक काटते हैं तो क्रीम ऊपर से नीचे लग जाता है, या किसी तरीके का ग्लेज डालते हैं तो ऊपर से नीचे तक वो फैल जाता है। तो आप काटने से पहले काफ़ी गर्म पानी में, जिस चाकू या ब्रेड कटर से आप पेस्ट्री या केक कट करने वाले हैं उसे डालकर छोड़ दें। फिर दूसरी कट लगाने से पहले उस चाकू या फिर ब्रेड कटर को आप गर्म पानी में डालकर छोड़ दें और उसे अच्छी तरीके से पोंछने के बाद फिर से दूसरा कट लगाएं पेस्ट्री या केक में। इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है और आपका एकदम पेस्ट्री या केक प्रोफेशनल तरीके का दिखेगा। आप देख सकते हैं मैंने कट लगाया है और ये बिल्कुल परफेक्ट कट लगा है। पेस्ट्री के ऊपर मैं इस तरीके से सीजर से थोड़ा राउंड बना रही हूँ और थोड़ा सा ग्लेज को साइड कर दे रही हूँ, और उसके बाद इस तरीके से व्हिपिंग क्रीम से मैं छोटा सा फ्लावर बना दे रही हूँ। इस तरीके से करने से किसी भी केक या पेस्ट्री के ऊपर जब ग्लेज लगा हो और उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे तो वो स्लिप नहीं करेगा कोई भी फ्लावर। ये भी काफ़ी टिप्स आपको काम आएगी कि कभी भी डायरेक्ट ग्लेज के ऊपर फ्लावर ना रखें, थोड़ा सा उसे सीजर से या नाइफ से आप थोड़ा सा कट कर लें, छेद बना लें, गोल बना लें, ताकि क्रीम थोड़ा दिखने लगे और उसके ऊपर आप फ्लावर बनाएँ। मैंने जितनी बार भी पेस्ट्री को कट किया है उतनी बार मैंने काफ़ी तेज़ गर्म पानी में ब्रेड कटर को डाला है ताकि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए। स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री को भी मैं उसी तरीके से बना लूँगी, इसके ऊपर भी छेद करके और क्रीम रखूँगी और गार्निशिंग लगाऊँगी। स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है। इसी तरीके से मैं मैंगो पेस्ट्री भी कट कर लूँगी। दोस्तों, अगर ट्रिक पता हो तो आप आसानी से प्रोफेशनल बेकर की तरह आप घर में भी अपनी बेकरी को चला सकते हैं। इसमें भी मैं सीजर से इस तरीके से कट लगा लूँगी ताकि इस पे जो मैं क्रीम लगा रही हूँ वो स्लिप ना करे। चेरी और चॉकलेट गार्निशिंग से मैं इसे भी डेकोरेट कर दूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कट लगा है और बिल्कुल भी इसमें ग्लेज इधर उधर नहीं लगा। आप भी इसी तरीके से घर में ही पेस्ट्री बनाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू।